रेस्टोरेंट की ओर से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश उल्लंघन को लेकर रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर? देखिए दीपक, ये सभी दर्शकों को जानकारी दे दूं कि सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है। सर्विस चार्ज आपकी इच्छा है तब दीजिए, ये सरकार का नियम है। जुलाई में सरकार ने इसको दोहराते हुए ये कहा था कि अगर आपसे कोई जबरन वसूली करता है तो आप उसको सीधा मना कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। इस तरह की कोई वसूली अगर होती तो वो कानून अपराध की श्रेणी में आता है। इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गया था एसोसिएशन, और एसोसिएशन के फैसले पर, मतलब सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये मैंडेटरी वाली बात या फिर उस पर जुर्माने वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन अभी भी सर्विस चार्ज पे जो पुराना नियम है यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है, ये स्थायी बना रहेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि एसोसिएशन तमाम उन ऐसे लोगों की लिस्ट लेकर आए जो कि उनके मेंबर्स हैं और वो चाहते हैं कि ये चार्ज न वसूला जाए या वसूला जाए। अगर उस पक्ष में लोग होते हैं कि वसूला जाएगा तो उसके हिसाब से डायरेक्शन दी जाएगी। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था कि नोएडा के एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में कुछ परिवार के लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद बिल को लेकर लड़ाई हुई। वहां पे सर्विस चार्ज मना करने पर रेस्टोरेंट के जो बाउंसर्स थे उन्होंने परिवार पे अच्छे बड़ी बुरी तरीके से मारपीट की। इसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इन्होंने कोर्ट के आदेश की आड़ में जबरदस्ती वसूली जारी रखी थी, अतः इस बात के लिए उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है जो कि 3 दिनों के भीतर केंद्र सरकार यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को देना होगा। इसके अलावा 4 दिन के भीतर यानी कि कल शुक्रवार की डेडलाइन दी गई है जिसमें कि शुक्रवार तक उनको यह एफिडेविट देना होगा कि हम इस तरह की किसी भी जबरन वसूली से अपने आप को पीछे हटा रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना आती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप हमारे डायरेक्शंस की आड़ में किसी भी तरीके की फर्जीवाड़े या फिर किसी भी तरह की जबरन वसूली को नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कुछ देखा जाता है तो आप पर गंभीर जो कानून है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जो उपभोक्ता कानून है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट की अवमानना का भी जो है आप पे आरोप सिद्ध होगा, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार की तरह ही कोर्ट का भी रुख अब इस तरफ सख्त होता जा रहा है, और कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की अगर वसूली जारी रही तो कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला लेने को बाध्य होगा बजाय आपके किसी भी दलील को सुनने हुए। का मामले की जो अगली सुनवाई है वो 5 सितंबर को होनी है। देखना है कि शुक्रवार तक एसोसिएशन किस तरह के दलील, किस तरह के एफिडेविट कोर्ट को सौंपता है, लेकिन फिलहाल यही है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि जबरन वसूली सर्विस चार्ज की या फिर सर्विस चार्ज को किसी अन्य नाम से लेना जो है पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अपराध। बिल्कुल गैर कानूनी और अपराध है। अब इतनी बड़ी बात तो कह दी, उसके बाद अब रह क्या गया कहने को। उसके बावजूद हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स लगातार सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी खबर।